मयंक अरोरा रूमवेदा हेल्थ केयर सेंटर को रिप्रेजेंट करते हुए आज के टॉपिक पे बात करता हूँ। और आज का टॉपिक मैं फाइमोसिस के ऊपर रख रहा हूँ। तो फाइमोसिस क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज कैसे और कब किया जा सकता है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फाइमोसिस है। तो फाइमोसिस क्या है, फाइमोसिस हमारे फिनाइल शाफ्ट के ऊपर जो फोर स्किन रहती है वो टाइट होना, उसको फाइमोसिस बोलते हैं। अब एक हेल्दी और एक पेशेंट जिसको फाइमोसिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपनी फोर स्किन को ईजिली ही पीछे रिट्रैक्ट कर सकता है। वही एक ऐसे पेशेंट को जिसको फाइमोसिस है वो अपनी फोर स्किन को पीछे नहीं कर पाएगा या कुछ हद तक कर पाएगा, या अगर वो कर भी पाया तो उसको सेवियर पेन होगा, तो उसको फाइमोसिस बोला जाता है। तो मैंने आपको बिल्कुल साफ शब्दों में फाइमोसिस का मतलब बताया। अब फाइमोसिस किन को हो सकता है, 90% केसेस में फाइमोसिस बाय बर्थ होता है, विच मीन्स कि जब बच्चा पैदा होता है उसको तब से फाइमोसिस होने के चांसेस होते हैं 90%। 10% केसेस उन जिनको एसटीडी, डायबिटीज, थायराइड, किसी तरीके का इन्फेक्शन, उसके कारण उनको फाइमोसिस हो सकता है। अब उसकी एज क्या, ग्रुप क्या रहता है, जनरली 30s, 40s, 20s में फाइमोसिस जो बचे हुए 10% है उनको हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, फाइमोसिस का दो प्रकार से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक थ्रू सर्जरी, सर्कमसीजन के थ्रू, आप किसी भी आपके करीबी हॉस्पिटल में जाके यूरोलॉजिस्ट से मिलके आप सर्जरी करा सकते हैं। एक सर्जरी का प्रोसीजर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सर्जरी करा रहे हैं, लेजर या मैनुअल। 10 to 40 minutes का ऑन एन एवरेज सर्जरी का टाइम रहता है। अब दूनवेला हेल्थ केयर में अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम इसको थ्रू आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीट करते हैं। फाइमोसिस का ऑन एन एवरेज 2 महीने का, 45 days का या 3 months का कोर्स रहता है। अब फाइमोसिस को हमने 4 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया, या उसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, Grade 1, Grade 2, Grade 3 and Grade 4। तो हम लोग Grade 1 की बात करते हैं। अब Grade 1 के जो पेशेंट हैं उनकी फोरस्किन सिर्फ एक पेन या एक पेन की लिप जितना ओपनेबल रहता है ताकि वो यूरिन को पास कर सके। इसके अलावा उनका जो ग्लैंड्स है वो कम्प्लीटली विजिबल नहीं होता। तो 90-95% केसेस में हमारी फोरस्किन उसको कवर अप करके रखती है, इस कारण से उनका ग्लैंड्स भी बहुत ज़्यादा हाइपरसेंसिटिव हो चुका होता है। कई केसेस में प्री मेच्योर इजैकुलेशन की जो वजह रहती है वो उसका सेंसिटिव होना ही रहता है। अब हम लोग Grade 2 की बात करते हैं तो वो एरिया थोड़ा और ज़्यादा बढ़ चुका होता है, मतलब कुछ हद तक हम लोग अपनी ग्लैंड्स पार्ट को देख सकते हैं। Grade 3 में आप प्लेसिड पोजीशन पे फोर्स के नीचे कर पाते हैं, लेकिन जब पेनिस इरेक्ट होता है उस टाइम पे आपको काफ़ी दर्द होता है और वहाँ पे रिंग जैसा बन जाता है। Grade 4 की बात करते हैं, Grade 4 में आप प्लेसिड एज वेल एज इरेक्टेड पोजीशन में अपनी फोरस्किन को कुछ हद तक नीचे ला सकते हैं, लेकिन वहां पे भी आपको पेन होता है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। अब हम लोग दूनवेदा में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी दवाइयों को कोरियर करते हैं पैकेज वाइज। पैकेज Grade 1 का अलग रहता है, Grade 2 का अलग, Grade 3 का अलग एंड Grade 4 का अलग। तो मैं जिन लोग मेरी जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप जब हमें मैसेज करते हैं तो कृपया अपना ग्रेड को आइडेंटिफाई करके करें, या आपको अगर ग्रेड नहीं पता तो एक फिनाइल शाफ्ट का क्लियर पिक्चर जहाँ पे आप अपनी फोरस्किन को पीछे कर पाएं हमें हमारे बताए हुए नंबर पे आप भेजें, उस हिसाब से हम आपको पैकेज की जानकारी देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रीटमेंट 45 दिन से 3 महीने तक का हो सकता है। तो ये 4 ग्रेड में हमने फाइमोसिस को आइडेंटिफाई करेंगे। और मान लीजिए आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप बताए हुए नंबर पे अपना मैसेज, अपना कंप्लीट नाम, आपकी एज, आपका मैरिटल स्टेटस हमें आप भेजेंगे। दवाइयों को प्रिपेयर करने के लिए 1 से 2 दिन का समय लगता है और उसको 3rd day डिस्पैच किया जाता है, विच मीन्स कि आपकी पोस्टल लोकेशन के हिसाब से आपको दवाई मिलने तक 4 या 5 दिन या हो सकता है 1 हफ्ते का समय मिले। पेमेंट आप हमारे बताए हुए अकाउंट डिटेल्स पे आप करेंगे, आप अपने उसको स्क्रीनशॉट उसका भेजेंगे, हम लोग आपकी दवाइयों को बना के आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। और 90-95% केसेस में फाइमोसिस के विद इन 15 to 20 days के अंदर विजिबल रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, विच मीन्स कि हमारी दवाइयां काफ़ी इफेक्टिव हैं।
और उसका लाभ हम आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में, फाइमोसिस के बारे में, या किसी भी तरीके का, तो आप इन बताए हुए नंबर पे हमें संपर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रियजनों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। कहीं लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, बताते नहीं है किसी को, तो आप लोग उन लोगों का ध्यान रखें, और आपको अगर लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है तो वह उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।